हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन वेस्ट मैनेजमेंट एट होम फॉर टेरेस गार्डनिंग। मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह कंटेंट जहाँ पे हम देखेंगे अगली स्लाइड आने वाली में कि किचन वेस्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, और उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आता है। तो हम पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ किचन वेस्ट। किचन वेस्ट मतलब हमारे घर का जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम बाज़ार से जाते हैं, जो भी फल सब्जियां लाते हैं उनके काटने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, जैसे उसके रूट्स हो गए, उसकी पत्तियां हो गई, कुछ ख़राब वाला पोर्शन होता है वो हो गया, चाय पत्ती हो गई, जैसे अंडे के छिलके हो गए, अनियंस हो गए, जो पोटैटो के पील्स हम छीलते हैं वो हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किचन वेस्ट में आती है। हमारे घर का जो रात का बचा हुआ बासी खाना होता है सुबह वाला वो हो गया, अगर कोई खाना नहीं चाहे तो हम उसे फेंक देते हैं। सारी चीज़ें इंक्लूड होती है किचन वेस्ट में। किचन वेस्ट में अगर ये इंक्लूड होती है बट इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे NPK हो गया, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, जो हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं आपको एक लिंक दे दूंगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ये वीडियो होने के बाद देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। किचन वेस्ट यानी सिर्फ घर का कूड़ा कचरा नहीं होता, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सॉइल में डिकम्पोज होके सॉइल को एक अच्छी हेल्दी बनाती हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उसमें एक रिचनेस मेंटेन करती है सॉइल में, जिसके वजह से उस सॉइल में जितने माइक्रो बैक्टीरिया होती है उनकी तादाद बढ़ती है, उसमें नाइट्रोजन हो गया या आप जो भी प्लांट लगाते हैं उससे वो ग्लूकोज और मतलब शुगर और जो न्यूट्रिशन है उसकी ट्रेडिंग के लिए आसानी होती है। हमारे पास, मेरे पास खास करके काफ़ी सारी किचन वेस्ट था है जो मैं अपने टेरिस पे रखता हूँ। मेरे पास जूट की काफ़ी सारी बोरियाँ थी जो मैंने अपना स्लैब ठंडा करने के लिए समर टाइम में यूज़ की थी, अब वो सड़ चुकी हैं और मैंने उनका यूज़ अपने टेरिस गार्डन में एक ड्रम में उसे डिकम्पोज होने के लिए रखा था, जो अब प्रॉपरली डिकम्पोज हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे केचुए, मिलीपेड्स पनपते हैं जो कि सॉइल को पोरस बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं। आपके पास अगर किचन वेस्ट हो या पेपर हो या कार्डबोर्ड, वुड, लीव्स, वीट, राइस स्ट्रॉ जो हम पराली कहते हैं, जूट की बोरियाँ या कुछ भी ऐसा जो आपके डिकम्पोज होने के लिए रख सकते हैं अपने टेरेस पे, वो आप बिल्कुल रखे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने एक ड्रम में काफ़ी सारे पत्तियां डाली हैं और आसपास में जितना भी मेरे घर का कूड़ा कचरा होता है ऑर्गेनिक वाला, प्लास्टिक नहीं सिर्फ ऑर्गेनिक, वो मैं यहाँ पे हफ्ते भर में डंप करते रहता हूँ, और उसके वजह से पानी डालने के वजह से वो वहाँ पे केचुए खाते हैं, मिलीपेड्स उनको खाते हैं और उसकी वजह से वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। और इसका अगर मैनेजमेंट की बात करें, और आप अगर अपना किचन वेस्ट घर के बाहर डालते हैं, मतलब जैसे ही कचरे वाला आता है और आप उसके उसको दे देते हैं, तो उसका एक नुकसान आपको ये होता है कि आपके पास जो न्यूट्रिशन वैल्यूज आनी चाहिए थी वो नहीं आती। जैसे आपके घर में कोई आपको ऑर्गेनिक कुछ खाद बनाना हो वो आप नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किचन वेस्ट, इसमें मतलब ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो आप सेपरेट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, अगर गवर्नमेंट मैनेजमेंट की बात की इस बारे में, तो आपके घर में जाने वाला जो भी किचन वेस्ट है वो सारा का सारा जो भी किचन वेस्ट होता है आप डंपिंग इसमें डंपिंग लैंड में डाल देते हैं। उसके साथ वो प्लास्टिक भी होता है जो आपके घर से निकला होता है, वो प्लास्टिक जब यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है तो वो भी डिग्रेडेबल होता है कुछ माइन्यूट पॉइंट में, ऐसा नहीं है। तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद उसके जो माइक्रो प्लास्टिक के मैटर, मतलब जो ये है एटम्स हैं बोलिए आप, तो वो सब्सटेंस उस किचन वेस्ट के साथ मिल जाते हैं। वो जब डिकम्पोज हो जाता है और उसको आप सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद
उस डिकम्पोज वाले जो फर्टिलाइजर है उसमें माइक्रो प्लास्टिक एग्जिस्ट करता है, और वो माइक्रो प्लास्टिक आप अगर खेती में यूज करते हो और वो प्लांट एब्जॉर्व करता है, तो उसके साथ साथ इनडायरेक्टली वो आपके पेट में भी आता है, आपके ब्लड में भी आ सकता है। इसके कुछ अभी रिसर्चर्स में देखा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड्स में भी आए हैं। ये ना हो और आपके घर का किचन वेस्ट आप अच्छे से यूज़ करो। आप मार्केट में जाके वैसे भी महंगा से महंगा किचन मतलब फर्टिलाइजर लाते ही हो, उससे बेटर है अपने घर का यूज़ करो। प्रॉब्लम की बात करें तो आपके घर का किचन वेस्ट जो आप डालते हैं वही जो मैंने अभी बताया है। ऑर्गेनिक मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप उसे फेंकते नहीं हैं बस अपने यहाँ पे, मैं उसकी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप अपने घर में जो भी पत्तियाँ होती हैं उनका खाद कैसे बनाएं, उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किचन वेस्ट अपने यहाँ पे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ नहीं करना है और आप उससे कहीं और यूज़ करना चाहें तो आप बायोगैस की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। पर हम ऐसा कुछ नहीं करते। टेरिस की जितनी भी जगह होती है अगर आप प्लांट्स के रेफरेंस में देखें तो वो पूरी की पूरी वेस्टेज में जाती हैं। आपके टेरिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, खाली ही होता है। आप उसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसमें प्लांट्स लगा सकती हैं। समर टाइम में अगर आप वहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में वो ठंडा रखेगा आपके टेरिस को, आपके स्लैब को। उस वजह से जो नीचे वाले आपके रूम्स होते हैं वो भी ठंडे रहेंगे। ये अच्छा एडवांटेजेस होता है, दोनों तरफ से फ़ायदा आपका। तो जलाने से बेटर है, अगर आप अपने घर के वेस्ट को अगर जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है जो पोल्यूशन में जाके मतलब पोल्यूशन मतलब एयर में जाके पोल्यूशन करता है। उससे बेटर है आप घर में रखे सॉइल में उस कार्बन को स्टोर करें, जो भी किचन वेस्ट का कार्बन होता है उसमें जो न्यूट्रिशन होती है वो आप सॉइल में स्टोर करें। इसका सॉल्यूशन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, सीधा सीधा आपके घर में अगर एक कोई कंटेनर हो, जैसे मेरे फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक कंटेनर है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वही डालें। आप इसमें प्लास्टिक की कोई भी पॉलिथीन या कोई भी टुकड़े जो भी हो वो आप ना डालें। बस ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हो ऐसी ही चीज़ें डालें। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे ड्रम्स में मेरे 2 साल के जितना भी वेस्ट किचन वेस्ट मेरे घर का निकला था वो मैं धीरे धीरे यहाँ पे डंप करते रहता हूँ। और इस वजह से यहाँ में पहले किचन वेस्ट डालो, फिर कुछ राइजर्स डालो, कुछ मिट्टी डालो, फिर से किचन वेस्ट डालो, राइजर्स डालो, मिट्टी डालो, पानी डालो, और उसमें जो केचुए में पहले से होती हैं या मैं डालता हूँ तो उसके वजह से वो जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाते हैं। उनमें से वो जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है और उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। अगर आपको नहीं देना तो आप इसको बायोगैस की तरह यूज़ करो। बायोगैस के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए प्लीज़। और आपको अगर नहीं दे ये भी नहीं करना तो आप एनिमल्स को खिलाओ। वैसे भी एनिमल्स जब आप डंपिंग यार्ड में देखता हूँ तो डंपिंग लैंड्स में हमेशा एनिमल्स वो पॉलीथीन के अंदर का खा मतलब अंदर मुंह घुसा घुसा के वो पॉलीथीन भी खाते हैं और वो फूड भी खाते हैं, वो अच्छा नहीं होता। आपके पास में अभी भी जैसे ही आप काटते हैं वो अभी भी 24 आवर्स के लिए फ्रेश होता है, आप उसे किसी एनिमल को खिला सकते हैं। तो ये हैं, अगर ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी के बेसिस पे बात करें तो वो कर सकते हैं। अगर एक बायोगैस वाला बड़ा प्लांट लगा सकते हैं अपने आसपास के विलेज में, आपके घर का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहाँ जाए, वहाँ से उसकी मीथेन गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद उसको निकाल के उसको सड़ा के उसका फर्टिलाइज़र बनाइए और उसको फिर खेतों में या जो भी फार्मर्स है उनको बेच सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है जो म्यूनसिपालिटी या ग्राम पंचायत हमारे एरिया में मैक्सिमम तो नहीं करती। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इस तरह से किचन वेस्ट को स्टोर करते हैं आपको एक हाई क्वालिटी फर्टिलाइज़र मिलेगा। फर्टिलाइज़र में आपका जो पैसा है वो सेव होगा, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिलेगा, आप पोल्यूशन कम करोगे, एनवायरनमेंट के लिए एक योगदान होगा आपका कि आपने अपने घर का कूड़ा ज़्यादा बाहर नहीं डाला है। आपके घर से सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक और पॉलीथीन से निकलनी चाहिए, उसके अलावा आपके घर से कुछ और बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके वजह से मतलब निकलना नहीं चाहिए मतलब आप उसे स्टोर करेंगे अपने टेरिस पे, उसके वजह से
आपको उसमें जो फूड आप लगाएंगे वो ऑर्गेनिकली आपके बॉडी के लिए हेल्दी होगा, जिसे हम न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करने वाले फूड्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और होता है कि बायोगैस के लिए आप अगर उस यूज़ करते उस बायोगैस का, तो आप अपने घर में गर्म पानी जो है वो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि गर्म पानी अगर चाहिए आपको नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, बर्तन के लिए हो, पोछा लगाने के लिए हो, आप उस बायोगैस से पानी गर्म करें और उस वार्म वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन वीडियो किचन वेस्ट के बारे में। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें। आप लाइक कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को कमेंट करें। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।